हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो लाल वाला बटन जो वीडियो के जस्ट नीचे दिया गया है उसको दबा लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे हर नए वीडियो जो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन के रूप में पहुँचता रहे और आप उसे देख करके अपना लाभ लेते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। वो है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी पे बाद में आएंगे, पहले हम इस बात पे विचार करते हैं कि हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है। एक होता है लक्ष्य, एक होता है परम लक्ष्य, एक होता है एम, एक होता है अल्टीमेट एम, मतलब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अंत यानी एक्सट्रीम लेवल वाला एम, लक्ष्य। तो एम तो हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो बना ही लेता है। मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे इस तरह से अपने जीवन को जीना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाना है, बिजनेसमैन बनना है, बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचना है, देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है। सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन क्या यही हमारा लक्ष्य है? बात विचारनीय है, क्योंकि जीवन भगवान ने हर किसी को दिया है, मनुष्यों को भी दिया है, कीट पतंगों को भी दिया है, जानवरों को भी दिया है, पेड़ पौधों को भी दिया है और बैक्टीरिया वायरस वगैरह सबको भी दिया है। तो उन लोगों में और हम लोगों में क्या अंतर है? हम लोगों को इंटेलिजेंट बनाया गया है, हमारे अंदर सोचने समझने की कैपेसिटी है तो हम सोच सकते हैं। वो लोग अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो लोग सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनके सराउंडिंग में उन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो इतना सोच विचार नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो इतने डेवलप्ड नहीं है। हम लोग हाईली डेवलप्ड इंडिविजुअल हैं, लिविंग एंटिटी हैं इस पूरे दुनिया में, इस पूरे अर्थ पे। तो हम लोग अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि क्या पैदा होने, खाने पीने, जीने के लिए ही ये जीवन मिला है? मतलब पैदा हो जाओ, बड़े हो जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, सब कुछ करो, उसके बाद अंत में मर जाओ। क्या यही हमारा लक्ष्य है? क्या इसीलिए हमें ये जीवन मिला है? बहुत अध्ययन करने के बाद, सोच विचार करने के बाद हम लोग इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि नहीं, कुछ और ही करने के लिए भेजा गया है। हम लोग सब अपने जगह से भटक चुके हैं। हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, हम आते कहाँ से हैं, हमारा केयर टेकर कौन है, हमें कौन यहाँ भेजता है, फिर यहाँ से कौन ले जाता है, कोई आइडिया नहीं है। तो ये आइडिया आएगा कहाँ से? इसीलिए हमारे स्क्रिप्चर्स बने हैं, इसीलिए हमारे सदगुरुज वगैरह बने हैं, इसीलिए ये जो इतने इतनी पुरानी परंपराएं चली आ रही है गुरु शिष्य की, ये सब बनी थी, वो हमें सच्चा ज्ञान देते थे। आज लोग केवल मटेरियल नॉलेज ले रहे हैं, किताबी ज्ञान ले रहे हैं, आध्यात्मिक को तो आध्यात्म की तो कोई बात ही नहीं करता है, जबकि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है। हमें बिल्कुल कॉन्शियस होने की ज़रूरत है कि हम आखिर चाहते क्या हैं, हमें कहाँ शांति मिलेगी, हम किसके अंश हैं, हम क्यों यहाँ पे आए, हमें वापस जाना कहाँ है। आप सब कुछ कीजिए अपने लाइफ में, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, आपको कोई जॉब लेना है, जॉब कीजिए, शादी वगैरह करनी है, कीजिए, सब कीजिए, जो एक इंसान जहाँ तक सोच सकता है वो कर सकता है, सब कीजिए, किसी चीज़ में मनाही नहीं है। लेकिन आप अपने परम लक्ष्य को भूल क्यों जाते हैं? आपको अपना परम लक्ष्य हमेशा याद होना चाहिए। और आपका लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। जब तक आप ये नहीं कर लेंगे ना, आप लाख इधर उधर पैर पटक लीजिए, सर फोड़ लीजिए, आपको कहीं भी आनंद नहीं मिलने वाला है, सुख का लेश मात्र नहीं मिलने वाला है। आप पैसे के पीछे भागते हैं, भागिए,
कई कई अरबपति करोड़पति, पता नहीं लखपति की तो बात ही नहीं कीजिए, मिलियन मिलीनियर बिलीनियर कितने पता नहीं कितने हो गए, लेकिन सुख तो उन्हें भी नहीं मिला। न पैसों वाले के लिए के पास सुख है, न गरीब के पास सुख है, न मेडियोकर मिडिल फैमिली वालों के पास सुख है। तो जितना भगवान ने दे दिया है उसमें खुश रहना चाहिए, और अगर और ज़रूरत है तो आप उस हिसाब से मेहनत कीजिए और उसे हासिल कीजिए, लेकिन यही सब करने में मत लगे रहिए। थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने आराध्य देव भगवान उन पर मेडिटेशन कीजिए, उनका नाम रूप गुण लीला आदि वगैरह का चिंतन कीजिए मन से। कुछ करने वरने की ज़रूरत नहीं है, बस मन से केवल चिंतन करना है। एकांत में बैठे हैं तो बस भगवान की छवि को अपने मन में उतार लिया और उनके बारे में चिंतन करना है। इससे क्या होगा कि आपको हमेशा ये लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, कोई ना कोई आपको देख रहा है और वो आपका ईश्वर ही है। तो आप कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, आप अपने आप को कभी प्राइवेट में नहीं समझेंगे। आजकल क्या होता है, हम लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हम अपना मनमाना व्यवहार करते चलते हैं, जहाँ 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 कहीं भी जो कुछ भी होता है हम करते हैं। लेकिन अगर मन में ये बैठ जाए कि नहीं, हमें कोई देख रहा है, हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, हमें कोई देख रहा है और वो हमें दंड देगा बाद में, तो हम चाह करके भी नहीं कर सकते हैं गलतियाँ। जब पेरेंट्स घर पे होते हैं बच्चे बिल्कुल अटेंटिव रहते हैं, कोई भी बदमाशी नहीं करते, ज़्यादा शरारत नहीं करते, लेकिन पेरेंट्स घर पे नहीं होते हैं तो उधम मचाते रहते हैं। तो हमारे साथ भी वही है, जब तक हम किसी एक सुप्रीम पावर को नहीं मानेंगे तब तक हम उदंडता करते जाएंगे, मनमाना व्यवहार करते जाएंगे, कुछ भी जो मन में आया सो कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी चीज़ को माने एज ए सुप्रीम पावर, एज ए गॉड, जो कि रियलिटी में है भी, हम लोग भले ही तर्क वाली बात कर लें कि नहीं ये सब बेफालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान ये वो, तो ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है और इस पर कंसिडर करना चाहिए, और जो मैंने बात बताई, थोड़ा सा टाइम निकाल करके, दिन में 5 मिनट का टाइम मिलता है, 5 मिनट ही काफ़ी है। 2 मिनट का टाइम मिलता है, 2 मिनट का ही काफ़ी है। 1 मिनट का टाइम मिलता है, अरे 1 मिनट का टाइम तो मिलता ही होगा, बस करना क्या है, आराध्य देव को केवल मन में उतार करके और उनसे प्रार्थना करना है और उनसे दर्शन और मिलन की ही बात करनी है, बस और कुछ नहीं करना। इतना तो कर ही सकते हैं, अगर ये जिस किसी ने कर लिया तो कोई गलत काम नहीं करेगा, वो ज़्यादा परेशान नहीं होगा अपने लाइफ में, वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील नहीं करेगा, और ये बहुत ज़रूरी है कलयुग में, तो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्पिरिचुअल नहीं है ना तो अच्छे से जी नहीं पाएगा, जिसको लाइफ का इसेंस पता नहीं है ना वो क्या लाइफ को जिएगा, जिसे यही नहीं पता है कि लाइफ क्या है तो लाइफ को जिएगा क्या। इसलिए आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, दिन में 1 मिनट का टाइम मिले 1 मिनट का ही सही, 2 मिनट का टाइम मिले 2 मिनट का ही सही, लेकिन आप लोग प्लीज थोड़ा टाइम निकालिए और धीरे 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 स्पिरिचुअल बनते जाइए। स्पिरिचुअल बनना मतलब क्या, भगवान को सदा अपने हृदय में मानना, यही स्पिरिचुअलिटी है, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। पूजा पाठ ये सब बेकार की बातें हैं, केवल मन से चिंतन, मन को भगवान में लगा देना है, बाकी आप अपना सारा काम कीजिए, भगवान को आपके काम से कोई मतलब नहीं है। आपका मन 24 आवर्स कहाँ रहता है, भगवान को इससे मतलब है। तो थैंक यू दोस्तों इतना देर तक मुझे सुनने के लिए, बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है अभी, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू दोस्तों।